का कोर्स में एक डाइस दो डाइस, देखो दो डाइस में टोटल इवन 36 होंगे, आखिर कैसे? देखो थोड़ी लॉजिक लगाओ, आप एक डाइस में उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक बहुत कमज़ोर हैं फेंकोगे, फर्ज करो पहले डाइस पे वन आया, अब दूसरे पे ज़रूरी वन भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है, पहले पे वन दूसरे पे भी वन, फिर एक चांस ये हो सकता है पहले पे वन दूसरे पे टू, पहले पे वन दूसरे पे थ्री, पहले पे वन दूसरे पे चार, पहले पे वन दूसरे पे पाँच, पहले पे वन दूसरे पे छः, ऐसे ही होगा ना। अब देखो दूसरा डाइस उठाओगे, हो सकता है पहले पे टू दूसरे पे वन, पहले पे टू दूसरे पे टू, पहले पे वन दूसरे पे, पहले पे टू दूसरे पे थ्री, पहले पे टू दूसरे पे फोर, पहले पे टू दूसरे पे फाइव, पहले पे टू दूसरे पे सिक्स, इसी तरह ये चलता रहेगा। मेरे हिसाब से इस चार्ट को खुद बना के देखो, देखो पहले पे थ्री दूसरे पे वन, पहले पे फोर दूसरे पे वन, पहले पे फाइव दूसरे पे वन, पहले पे सिक्स दूसरे पे वन, पहले पे थ्री दूसरे पे टू, पहले पे फोर दूसरे पे टू, पहले पे फाइव ठीक है दूसरे पे टू, पहले पे सिक्स दूसरे पे टू। अब देखो इस पहले पे थ्री दूसरे पे थ्री, पहले पे थ्री दूसरे पे फोर, पहले पे थ्री दूसरे पे फाइव, पहले पे थ्री दूसरे पे सिक्स, वैसे और हो सकता है भाई, पहले वाले पे तो फोर फिर थ्री, रोज़ वाइज चल रहे हैं तो ये पहला वाला सेम, पहले पे फोर दूसरे पे फोर, पहले पे फोर दूसरे पे फाइव, पहले पे दो। एग्जाम में देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। हाँ अभी ज़रूर बनाओ, पहले पे फाइव थ्री फाइव फोर अपनी कॉपी में, हाँ फाइव 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 सिक्स, सिक्स थ्री सिक्स फोर, सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स, इस तरह से बच्चों ये पूरे का पूरा चार्ट अपने पास ड्रॉ करो।